रवि तेजाज धमाका क्रिएटेड अ सॉलिड बज बिफोर इट्स रिलीज। द एक्शन ड्रामा डायरेक्टेड बाय त्रिनिधा राव हैज बीन रिलीज टुडे। लेट्स सी हाउ इट इज। धमाका में रवि तेजा ने दोहरी भूमिका निभाई है। एक अमीर आदमी है, दूसरा मध्यवर्गीय आदमी है। खूंखार व्यापारी जयराम दृश्य में प्रवेश करता है और अमीर रवि तेजा की संपत्ति को छीनने की कोशिश करता है, लेकिन एक मोड़ आता है क्योंकि मास रवि तेजा गलत चीजों में शामिल हो जाता है और उसको नियंत्रण करने लग जाता है। वह क्यों होता है, उसकी बैक स्टोरी क्या है और डबल रोल क्या है, यही फिल्म की मूल जड़ है। प्लस पॉइंट इस मूवी का क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। धमाका लंबे अंतराल के बाद रवि तेजा को एक ऊंचावान अवतार में वापस लाता है। वह दोहरी भूमिकाओं में अद्भुत है और अपने प्रदर्शन के साथ ठोस काम करते हैं, चाहे वो बॉडी लैंग्वेज हो या उनके द्वारा बनाई गई मजेदार हरकतें। रवि तेजा एक जीवंत कलाकार है और फिल्म को अपने कंधों पे लेके चलते हैं एक बदलाव के लिए। उन्होंने फिल्म में शानदार डांस किया है। श्रीलीला फीमेल कैरेक्टर मुख्य भूमिका में है और वो बेहद प्यारी लगी है, चाहे वह उनका डांस हो या रवि तेजा के साथ की केमिस्ट्री, वह इसमें माहिर हैं। उनकी स्क्रीन उपस्थिति भी व्यावसायिक फिल्म के प्रारूप के अनुकूल है और वह अपने कैरियर में बहुत आगे बढ़ेंगी, ऐसा लगता है इनका एक्ट देखकर इस मूवी में। जयराम मुख्य खलनायक की भूमिका निभाते हैं। फिल्म में अच्छी कॉमेडी है। येट अनदर मेजर एसेट ऑफ द फिल्म इज द हिट साउंडट्रैक। सभी गाने भीम द्वारा अच्छी तरह से रचे गए हैं और अच्छी तरह से शूट भी किए गए हैं, जो जनता के लिए एक पैसा वसूल अनुभव प्रदान करता है। इंटरवल ब्लॉक से पहले का आखिरी आधा घंटा फिल्म का सबसे अच्छा हिस्सा है। इसमें कॉमेडी, एक्शन, एक ट्विस्ट भी है जो फिल्म को काफी ऊपर उठाता है। जिस तरह से रवि तेजा ने किरदार को अच्छी कॉमेडी और पंच डायलॉग के साथ डिजाइन किया गया है, ये सबको प्रभावित करेगा। अब बात करते हैं इस फिल्म के माइनस पॉइंट की। प्रसिद्ध लेखक प्रसन्ना कुमार ने धमाका की कहानी पटकथा संवाद लिखे हैं। फर्स्ट हाफ में जहां उनकी कहानी और ट्विस्ट वाले हिस्से अच्छे हैं, वहीं सेकंड हाफ रूटीन वर्क लगता है और इनमें कोई नयापन नहीं है। द स्क्रीन प्ले लैक्स द सीन इन द सेकंड हाफ एज द प्रोसीडिंग्स बिकम अ मेयर फॉर्मेलिटीज फॉर द ऑडियंस सिट थ्रू। इसमें कुछ भी नया नहीं है और जयराम जैसे शक्तिशाली खलनायक को इस दौरान कमजोर बनाया जाता है। निर्माताओं ने यह सुनिश्चित किया है कि नियमित अंतराल पर कहानी के मध्य से लेके अच्छा गाना और कॉमेडी सीन जोड़ा जाए, लेकिन इन सब में नाटक गायब है और फिल्म आपको भावनात्मक रूप से प्रभावित नहीं कर पाती है और एक नियमित एक्शन ड्रामा बन के रह जाती है। भीम का संगीत शानदार है और बीजीएम भी ठोस है। कैमरा वर्क अच्छा है, प्रोडक्शन डिजाइनर कमाल का है, संवाद भी काफी अच्छे हैं और श्री लीला की वेशभूषा भी अच्छे से डिजाइन की गई है। निर्देशक श्रीनाथा राव की बात करें तो उन्होंने फिल्म में अच्छा काम किया है। कहानी सरल है, इसमें 90 दशक की कई पुरानी फिल्मों का संदर्भ है। बेस्ट पार्ट ऑफ द डायरेक्शन कि उन्होंने एंटरटेनमेंट फैक्टर को नियमित अंतराल पर चालू रखा है। सो अब फाइनल कंक्लूजन, कुल मिलाकर धमाका एक एक्शन ड्रामा है जिसमें नियमित मसाला मिलेगा आपको मूवी के दौरान। रवि तेजा की मास मूवी अपने ऊर्जावान अवतार के साथ वापस आए हैं और अपने एंटरटेनिंग एक्शन से आपको स्क्रीन पर बांधे रखते हैं। यू विल गेट एडेड बोनस हिट गाने और कॉमेडी सीन अगर आप रूटीन स्टोरी लाइन को नजरअंदाज कर देते हैं और अंत में आपको फिल्म में सिर्फ मसाला देखना है और आप रवि तेजा के फैन हैं तो ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।